नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोले, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा शार्क 32 इंच का एक LED टीवी है। इसमें फॉल्ट क्या है पहले देखो। अभी तो सेट स्टैंड बाई मूड में है, इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज करूंगा। देखिए स्टैंड बाई रिलीज किया है, देखिए स्टैंड बाई रिलीज हुआ। इसका फॉल्ट एक्चुअल जो है बैकलाइट, ओके, नो डिस्प्ले। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिए, पूरा कंप्लीट नॉलेज आप अचीव करना चाहता है, सीखना चाहता है, मेरा जो वीडियो है पूरा एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे यहाँ से। ये फॉल्ट क्या है देखिए, इसका पीछे बैकलाइट भी है, देखिए बैकलाइट है ना, बैकलाइट ओके, नो डिस्प्ले। एक कैसे रिपेयर करूंगा पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा सब कुछ, एवरीथिंग। आप पूरा वीडियो कंप्लीट करिए। इसको मैं बैक कवर ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद उसमें क्या पैनल यूज किया है वो मैं मेजरमेंट करूंगा, आपको साथ भी सब शेयर करूंगा, आप देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बैक कवर ओपन करूंगा, ओके, देखते रहिए। वो जो शार्क 32 इंच का LED टीवी आप देख रहा था, बैकलाइट ओके नो डिस्प्ले, उसको मैं पूरा ओपन किया है। स्केलर देखिए, ये शार्क कंपनी की टीवी है, सॉरी शार्क कंपनी की टीवी है और उसका खुद ही पैनल है, शार्क पैनल है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक डिश टू डीसी IC यूज किया है, एक थिकोन प्रोसेसर है, एक गामा है, और इधर देखिए एक APC लेफ्ट राइट स्केलर है, इसको ज्वाइंट किया है। और देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सोर्स कॉप लगा हुआ है। दोस्तों सोचिए, ये बहुत बढ़िया पैनल है। इसको मैं पूरा कैसे फाइंडिंग करूंगा आप लोगों को साथ मैं पूरा शेयर करूंगा। इस पैनल देख के मैं कंफर्म हो गया, इसमें गेट कॉफ है, एक्सटर्नल गेट कॉफ है, ठीक है। लेकिन पहले तो गेट कॉफ के बारे नहीं सोचूंगा, गेट कॉफ है, पैनल देख के मैं कंफर्म हो गया। ये तरीका आपको पहचाना चाहिए, पैनल जो स्केलर है, स्केलर देख के आपको कंफर्म होना चाहिए। स्केलर का जो सब है देख के मैं कंफर्म हो जाऊंगा। इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वर्किंग प्रोसीजर आपको पता नहीं है तो आपको काम करने का बहुत दिक्कत होगा, आप क्या करेंगे ना करेंगे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, इसको मैं सेट ऑन करूंगा, ऑन करके आपको पूरा वोल्टेज चेक करके एक एक करके देखाऊंगा, आप देखते रहिए। देखिए सेट ऑन किया है, सेट चालू हुआ, स्टैंड बाई मोड में चला गया, चालू हुआ, ऑन हुआ, सेट ऑन हुआ। देखिए वोल्टेज चेक करिए, बच्चा बंद हो गया, हाँ सेट ऑन हुआ। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए 12 वोल्ट पैनल PCC इज ओके, 12 वोल्ट, सॉरी इधर से देखा, 12 वोल्ट पैनल PCC इज ओके। तो ये वोल्टेज कहाँ पर जाएंगे, इधर आइए। वीडियो दोस्तों स्किप मत करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो IC है MX17126 DC-to-DC IC है, इसमें देखो यहाँ पर 3.3 वोल्ट जो है ना, यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट इज ओके, ओके। एक कॉयल है, LED डायोड है, LED डायोड में देखिए, LED डायोड में यहाँ पर LED पॉइंट है, यहाँ पर देखिए LED वोल्टेज इज ओके, 15.63 वोल्ट, ठीक है। उसका बाद देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये VGH वोल्टेज है, VGH वोल्टेज इज प्रेजेंट, ओके। उसका बाद देखिए VGL वोल्टेज, अब देखिए VGL वोल्टेज इज ओके, ऑल वोल्टेज ओके, बट बैकलाइट ओके, नो डिस्प्ले। How to repair? Please watch the complete video. You will get more than more knowledge in this video. Please do not skip the video. दोस्तों ये जो IC है और CM501 जो IC है, generally वो आप same मान के चल सकते हैं, थोड़ा सा difference है लेकिन same ही होगा, ठीक है।
और देखिए इसमें प्रोसेसर क्या है, देखिए 3.3 वोल्ट है, प्रोसेसर भी यहाँ पर है। इसको मैं बहुत कुछ किया है, स्टडी किया था, सब वोल्टेज चेक किया, ऑल वोल्टेज ओके है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ना, देखिए ये वीकम वोल्टेज है, वीकम पॉइंट, वीकम यहाँ से आउटपुट होगा, ये वीकम वीकम वोल्टेज है। तो इसमें तो गेट कॉप है, गेट कॉप में वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मैं भी गेट कॉप ओपन करके सब वोल्टेज चेक किया है, वहाँ पर ऑल सिग्नल एंड वोल्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है। उसका बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं देखूंगा उसमें क्या फॉल्ट है। इसका बारे में बहुत सोचा, सोचने का बाद मैं एक डिसाइड किया है। यहाँ पर देखिए ये जो आईसी है ना, एक आईसी है, ये क्या है, इसका मेरा कंफ्यूज्ड हो गया था। यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है, सॉरी देखिए ये क्या है, ये जो आईसी है, अब देखिए यहाँ पर अच्छा से देखो, क्लियर आ रहा है ना, क्लियर कर लो। ये जो आईसी है देखिए, इसमें आप 3.3 वोल्ट, यहाँ पर 3.3 वोल्ट, यहाँ जो आउटपुट है कुछ वोल्टेज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आउटपुट है, इस आउटपुट पिन में कुछ वोल्टेज नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था पहले, लेकिन इसका क्या वोल्टेज होगा, इसका तो वोल्टेज चार्ट मेरे पास नहीं है, स्केलर का पूरा डिटेल्स मेरे पास नहीं है। इस सेट को मैं कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, मैं दूसरा कोई सेट आया उससे पूरा वोल्टेज में मेजरमेंट किया, उसका बाद ये सेट रेडी किया है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, अब देखिए इसमें एक वोल्टेज आउटपुट होगा, वो वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। वो कितना वोल्टेज है वो पूरा देखने के लिए आप वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या करूँ, ठीक है। इस फॉल्ट यहाँ पर ही है, फॉल्ट यहाँ पर ही है, इसको मैं क्या मॉडिफिकेशन करूँगा, अब देखिए ये तो मैं आईसी में नहीं मिलूँगा, ये आईसी मेरे पास नहीं है। दोस्तों ये जो आईसी आप देख रहा है, ये आईसी मेरे पास नहीं है, इसको मैं मॉडिफिकेशन की करूँगा, आप देखते रहिए। देखिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन करूँगा, आप देखिए सबसे पहले इसको मैं सॉरी इसको पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ करना पड़ेगा, पावर ऑफ कर दो, मीटर हटाओ। वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए दोस्तों, तब भी आप समझ पाएंगे यहाँ पर मैं क्या किया है। ये मोस्टली नॉलेजेबल वीडियो है, और दोस्तों आप खुद ऐसा काम सीखना चाहता है, करना चाहता है, मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा फेब्रुअरी मंथ का लास्ट वीक 23, 24, 25, 26 और मार्च मंथ का फर्स्ट वीक, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहता है तो मेरा जो स्क्रीन पर देखिए नंबर आ जाएगा, उसमें कॉन्टेक्ट करिए। देखिए इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले, देखिए इसको मैं रिमूव कर दिया, देखिए ना इधर देखिए, देखिए इसमें क्या वोल्टेज मैं इनपुट करूंगा, अब देखिए सबसे पहले ये मॉड्यूल तो यहां पर यूज करूंगा, क्यों, कौन सा वोल्टेज होगा आप देखिए, देखते रहिए दोस्तों पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ पर लगाऊंगा, और यहाँ पर 12 वोल्ट है, देखिए पैनल वीसीसी से यहाँ पर ले लूंगा, कनेक्ट करूंगा, देखिए आया है ना दोस्तों, इन कर दो पॉजिटिव में, देखिए दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है, सबसे पहले क्या करूं, एक बार पावर ऑन करके इसको मैं चेक करूं, ठीक है, दो गाउन दो उधर पर,
देखो, पावर ऑन करो, स्विच ऑन कर दो। इसको मैं एक बार वोल्टेज चेक कर लूंगा, उसका बाद मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। ठीक है, बंद करो, बंद कर दो। तो दोस्तों ये रेडी हुआ है, सेट ऑन करके आपको देखाऊंगा, आप देखते रहिए। ये कहाँ पर लगाऊंगा देखिए, इधर देखिए, ये कितना वोल्ट यहाँ पर यूज करूंगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए ना, देखिए यहाँ पर लगा ना दोस्तों, इसको यहाँ पर चिपका दो। इसको मैं कंप्लीट करूंगा, पावर ऑफ कर दिया, ठीक, ऑन कर दो, पावर ऑन कर दो। पावर ऑन हुआ, ऑन हुआ, देखिए उसको रिमोट एक बार दो। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, तब भी आप समझ पाएंगे मैं इसमें क्या किया है, वो क्या मॉड्यूल लगा है, कितना वोल्ट लगा है, वो भी मैं पूरा डिटेल सबको देखूंगा। पहले सेट को ऑन करके देख लो, डिस्प्ले देखिए, जूमिंग हटाओ, जूमिंग को हटा दो, देखिए डिस्प्ले आ गया ना दोस्तों, देखिए अब देखिए, अरे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखिए लोगो भी आ गया ना सार्प का, ये तो मैं भी ऑन करूंगा तो आ जाएगा, वीडियो ऑन करूंगा, देखिए वीडियो ऑन किया है, कौन सा वीडियो कहाँ पर है तो देखना पड़ेगा कहाँ पर है, नाम लिखा नहीं है, एंड्रॉयड है, इसमें चलाऊंगा, देखिए इसको ऑन, वीडियो डिटेक्ट नॉट सपोर्टेड, ये नॉट सपोर्टेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलिए इसको हटाओ, देखिए डिस्प्ले आ गया, वो पुराना सेट है ना, इसीलिए सबको यूएसबी उसमें कनेक्ट नहीं होता है, ऐसा होता है, नो सिग्नल आ गया। तो चलिए वो पिक्चर आ जाएगा, मैं देखूंगा बाद में, पहले आपको क्या किया है वो शेयर करूंगा, उसका बाद देखिए। सेट तो चालू है, अब देखिए मैं इसमें क्या किया है वो देखाऊंगा आपको, ये मैं एक दिन में काम नहीं हुआ दोस्तों, मैं इसका बारे कंफ्यूज था, लेकिन इसका मैं पूरा डिटेल्स स्टडी किया और दूसरा सेट से ये वोल्टेज मैं चार्ट नोट डाउन किया, उसका बाद ये काम हुआ। ये एक्चुअल आईसी का जो है 1.8 वोल्ट का सप्लाई है, इस आईसी से जनरेट होता है, ये 1.8 वोल्ट यहाँ पर मिसिंग था, ये मैं एक मॉड्यूल लगा के यहाँ पर आईसी का सप्लाई दिया, पिक्चर आ गया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपडेट होना चाहता है तो मेरा अपडेट प्रोग्राम में अटेंड कर सकता है, मेरा जो नंबर है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए। नेक्स्ट फरवरी मंथ और मार्च मंथ में मेरा अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए ना, स्विच ऑफ कर दो थोड़ा सा, कैमरा इधर लेकर आइए, जूमिंग करिए, ये जो छोटा 5 पिन का सामान है ना, देखो क्लियर, देखो नीचे लेके आओ, देखिए ये जो 5 पिन जो है, देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये क्या है, इसका बारे पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये क्या है इसका पूरा डिटेल्स, इस पार्ट का डिटेल्स बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ये क्या है, आप कैसे पहचानेंगे ये क्या है, इसको आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो पूरा डिटेल्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वेट करिए मैं आपको दिखाऊंगा। ओके चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।